के पशदी प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों के लिए काफी संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है कि शिक्षकों के पद खाली हैं अथवा नहीं। विधानसभा में प्रश्न का जवाब देते हुए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इन सभी बातों को स्पष्ट किया है कि कितने पद हैं और कितने शिक्षक अभी हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, विधानसभा के प्रथम सत्र 2022 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित डॉक्टर मुकेश वर्मा जी के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है और उसके संबंध में क्या उत्तर दिया गया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, इसका उत्तर भी जान लीजिए। इनके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विद्यालयों में वर्तमान बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है, जिसके उत्तर में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक डेटा प्रस्तुत किया है। प्राथमिक विद्यालयों में कुल बच्चों की संख्या 1,28,60,939 बच्चे रजिस्टर्ड है। इसमें नियमित अध्यापक जो कि सहायक अध्यापक होते हैं उनकी संख्या है 3,32,734 और अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या है 52,53,772 जिसमें नियमित अध्यापकों की संख्या है 1,20,860। उसके बाद से उन्होंने अगला प्रश्न पूछा और क्या सरकार बताएगी कि आरटीई अधिनियम के मानक अनुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक प्रदेश में पूर्ण है अथवा नहीं। तो इसके जवाब में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये उत्तर दिया है कि 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या पश्चिमी प्राथमिक विद्यालय में 1,28,60,939 है तथा शिक्षकों की संख्या 3,32,734 है। छात्र शिक्षक अनुपात 38:1 का है और आरटीई का मानक 30:1 का है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जो शिक्षा मित्र थे उनको भी छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट करने का फैसला लिया था। पहले की प्रदेश सरकार के द्वारा जो शिक्षा मित्र थे उनको छात्र शिक्षक अनुपात में नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार अब जोड़ना प्रारंभ कर दिया गया है। इस वजह से उन्होंने आगे दिया है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक मित्रों की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 26:1 है जो मानक के अनुसार पूर्ण हो। अब आप सोच लीजिए, आरटीई एक्ट ये कहती है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश में 26 छात्रों पर ही एक शिक्षक है। वही बात करें अगर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये उत्तर दिया गया है कि 30 अप्रैल 2022 को छात्र संख्या पश्चिमी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 52,53,772 तथा अध्यापक संख्या 1,20,860 है। छात्र शिक्षक अनुपात 43:1 का है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो अनुदेशक हैं उनकी संख्या है 27,555 और अगर इनको शामिल कर लिया जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 का हो जाता है, जो कि आरटीई एक्ट के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 छात्र शिक्षक का अनुपात होना चाहिए जो कि पूरी तरह से पूर्ण है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार आरटीई एक्ट के तहत पश्चिमी प्राथमिक विद्यालय या फिर पश्चिमी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात आरटीई एक्ट मान के अनुसार पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। तो दोस्तों, ये रही आज की अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।